गुड मॉर्निंग क्लास थ्री. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज लेसन नंबर 7, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत. क्लियर? इट इज नॉट पॉसिबल टू विजिट द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हु लिव एट फार ऑफ प्लेसेस फ्रीक्वेंटली. हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम हमेशा अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के पास जा पाए. ठीक है, हमेशा तो हम नहीं जा पाते. सो वी सेंड देम मैसेजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. इसलिए हम उनको टाइमली मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, ओके, क्योंकि हम मिलने हर बार नहीं जा सकते. दे ऑल्सो सेंड अस मैसेजेस, वो भी हमें मैसेजेस भेजते हैं. सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. तो जब हम मैसेज भेजते हैं और जब वो हमें मैसेज भेजते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन. इन एंशियंट टाइम्स पीपल वर्क एज मैसेंजर्स. पुराने ज़माने में लोग मैसेंजर बन के जाते थे, मैसेज पहुँचाते थे किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक. लेटर पिजन्स वर ट्रेन फॉर दिस पर्पज. उसके बाद पिजन्स को ट्रेनिंग दी गई. सी दिस इज अ पिजन, कबूतर. इनको ट्रेन किया गया कि कैसे मैसेज लेके जाना है. टुडे सेवरल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव बीन डेवलप्ड. और आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस हो गए हैं जो हमारे लिए ईजी हो गए मैसेज सेंड करने में. लेटर इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन आर कंट्री. हमारी कंट्री में सबसे पॉपुलर मीन क्या है मैसेज भेजने का? लेटर के थ्रू. लेटर इज सेंट विद इन इंडिया एंड टू अदर कंट्रीज थ्रू द पोस्ट ऑफिस. इंडिया में लेटर पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजा जाता है. दिस इज अ पोस्ट कार्ड एंड दिस इज एन एनवेलप. अ लेटर इज रिटन ऑन अ प्लेन पेपर और ऑन अ पोस्ट कार्ड. लेटर रिटन ऑन प्लेन पेपर इज सेंट आफ्टर पुटिंग इट इन एन एनवेलप. लेटर या तो हम प्लेन पेपर पे लिख सकते हैं या फिर ऐसे पोस्ट कार्ड पे लिख सकते हैं. उसके बाद उसको हमें एनवेलप में डालना होता है. द फुल एड्रेस शुड बी रिटन विद पिन कोड ऑन द लेटर. उसके बाद हमें फुल एड्रेस भी लिखना होता है उस पर. पिन कोड इज अ 6-digit number. पिन कोड क्या होता है? एक 6-digit number होता है हर एरिया का. पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर, पोस्टल स्टैम्प्स एक्सेट्रा कैन बी परचेज फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? पोस्ट ऑफिस में. फॉर सेंडिंग अर्जेंट मैसेजेस वी कैन यूज टेलीग्राम. अगर हमें बहुत जल्दी है, कोई बहुत जल्दी अर्जेंट मैसेज पहुँचाना है, देन वी कैन यूज टेलीग्राम. इट इज सेंड फ्रॉम द टेलीग्राफ ऑफिस. द टेलीग्राम, द मैसेजेस ऑन द टेलीग्राम कैन बी सेंड थ्रू वे टेलीग्राफ ऑफिस से. द मैसेज टू बी सेंड बाई टेलीग्राम शुड बी इन 1 or 2 lines ओनली. टेलीग्राम के थ्रू जो मैसेज जाता है वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ओनली ऑफ 1 or 2 lines. अ टेलीग्राम रीचेज विद इन अ फ्यू आवर्स एंड इट रीचेज टू द रिसीवर विद इन फ्यू आवर्स. कुछ ही घंटों में पहुँच भी जाता है. द टेलीफोन इज यूज टू सेंड मैसेजेस वेरी क्विकली. अब टेलीफोन से तो बहुत ही क्विकली मैसेजेस चले जाते हैं. आपने नंबर डायल करना है, अपनी बात बोलनी है. वी कैन टॉक टू आर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स लिविंग एट फार ऑफ प्लेसेस ऑन टेलीफोन. हम दूर दूर तक जो हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स, उनसे बात कर सकते हैं टेलीफोन पे. टुडे टेलीफोन फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल इन मोस्ट विलेजेस ऑफ इंडिया. अब तो ज़्यादातर विलेजेस, गांव में भी टेलीफोन फैसिलिटी अवेलेबल है. वी कैन मेक अ टेलीफोन कॉल एनीवेयर इन द वर्ल्ड बाय यूजिंग ISD सर्विस. और हमें अगर आउट ऑफ कंट्री कॉल करना है तो फिर हम ISD सर्विस यूज करते हैं इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए. Nowadays, मोबाइल फोन्स आर ऑल्सो इन यूज. वी कैन कैरी दीज फोन्स एनीवेयर विद अस. अब आजकल तो मोबाइल फोन्स भी आ गए हैं, तो हम ये कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं. टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाई ग्राहम बेल. टेलीफोन किसने बनाया था? ग्राहम बेल. ओके, सो चिल्ड्रेन, वन पेज वी हैव रेड इट टुडे. द नेक्स्ट पेज वी विल बी रीडिंग इट टुमारो. जस्ट रीड द चैप्टर थॉरली. थैंक यू.